स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है। तो जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सिंपली आपका करंट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बट याद रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, इसको एनीहाउ हम जे से लिखने वाले, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहले आप नोट लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब होता क्या है, ज़रा वो देखते हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हमें बोल रहा होता है, जैसे देखो तुम्हारे पास एक वायर है, डन। ये तुम्हारे पास एक वायर है, वायर बहुत ज़्यादा, मतलब इसका एक पर्टिकुलर एरिया भी होगा। इस एरिया से जो चार्ज पास होता है एक सेकेंड में, उसी को हम करंट बोलते हैं। क्या बातें क्लियर है। तो इसमें से जो चार्ज पास होता है इसी को हम करंट बोलते हैं, डन है। इसमें से जो चार्जेस हमारे पास होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। इस एरिया में से जो चार्जेस पास होते हैं वन सेकेंड में, वो करंट होता है हमारा। ये बातें हमें पता है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मैं इसका यूनिट एरिया में ना, मैं कोई भी छोटा सा एरिया, हो सकता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें अगर हम बेसिकली हम लोग मीटर स्क्वायर में रखना चाहेंगे, ठीक है। तो यूनिट एरिया, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। सपोज है तुम्हारे पास कुछ 200 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर का एरिया है। अब इसमें से 1 मीटर स्क्वायर में से कितना करंट पास होता है उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या ये बातें क्लियर है। सो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी इसका डेफिनेशन रहेगा हमारा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। बराबर है। जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा पर यूनिट एरिया से, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट, एंड द सरफेस, देखो पर यूनिट एरिया मतलब एक सरफेस होगा ना, एंड सरफेस एरिया मतलब वो सरफेस का, जो भी सरफेस हम लेंगे यहाँ पे, जो लेंगे वो जो सरफेस एरिया इज नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको ज़रा समझना। अभी देखना, ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ये मैंने हाथ रख दिया करंट का, और मेरा हाथ का डायरेक्शन कितना है, देखो 90 डिग्री है ना, मैंने ऐसे रखा था, 90 डिग्री में है वो, बातें क्लियर है, 90 डिग्री, डन। ये जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, ये मेरा हाथ में क्या है, 90 डिग्री में है। तो ऐसा हर बार हमें रखना होगा नॉर्मल कंडीशन में, डन। तो यहाँ पे बना लेते, ये तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया था। ये सपोज तुम्हारा यूनिट एरिया है, सो यहाँ पे करंट डेंसिटी जे, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू आई, एक स्केलर क्वांटिटी हमें पता है, अपॉन ए लिखना होगा। अब ये वेक्टर कैसे पता चला हमें, क्योंकि एरिया एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी एक वेक्टर क्वांटिटी आया होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। विच इम्प्लाइज कि अगर जे वेक्टर और ए वेक्टर आपस में आ जाए तो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा। जब भी कोई दो वेक्टर मिलके एक स्केलर क्वांटिटी बनाता है तो हमें पता है उसमें क्या लगता है, डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि जे ए कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ए कॉस थीटा कहाँ से आया, तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस बार इसमें एरिया कुछ इस प्रकार है, डन है। इसका जो एंडिंग है कुछ इस प्रकार है, डन है। अब देखो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूँ इस चीज़ का, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा एरिया वेक्टर। लेकिन इसमें से करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, करंट तो इसमें से ऐसा रहेगा, ए हो गया तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, तो इनके बीच एक डायरेक्शन थीटा बन रहा है, डन। अगर ये थीटा बन रहा है, अगर इसमें इसको वेक्टर स्प्लिट कर दूँ, तो वेक्टर स्प्लिट करने पे एरिया का एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, और कितना होगा बताओ, एरिया का एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा बनेगा, और एक एरिया का कंपोनेंट ए साइन थीटा यहाँ बनेगा। और हमने यहाँ पे देखा भी था हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है एरिया का, यहाँ पे एरिया ऐसे था, करंट ऐसे आया था, डन। ऐसे देखो हम चाहे तो इसको लिख सकते थे करंट और एरिया वेक्टर का, दोनों का डायरेक्शन 90 मतलब सेम होना, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा, हमने क्यों लिख दिया करंट इज़ नॉर्मल, बिकॉज आपका जो एरिया रहेगा उसमें करंट नॉर्मल में आना, क्योंकि आपका जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए हमने उस टर्म को यहाँ पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि करंट का तो डायरेक्शन नहीं है ना। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो, ये जो कंपोनेंट बन रहा है ना, ए कॉस थीटा वाला, ये असल में क्या है,
इसी तरफ है, इसी तरफ है, डायरेक्शन की तरफ है, मतलब यहाँ में अगर मैं ए कॉस थीटा बनाऊँ तो ए कॉस थीटा कैसा है, ऐसा एक एरिया यहाँ पे बना रहा होगा, डन। तो यही कॉम्पोनेंट आपको लेना है ए कॉस थीटा वाला, क्या बात है, क्लियर है यहाँ तक, डन। क्योंकि मैंने यहाँ मतलब हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के टर्म पे नहीं ले सकते। लेकिन याद रखना, जो करंट आपका जिस कंपोनेंट को, जो ए कॉस थीटा बनाया ना, ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसा बनाया ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, तो हमें यही वाला कंपोनेंट लेना है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, जे ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आई आने वाला है आपका, डन। आई मतलब क्या है, टोटल करंट, यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, डन। तो ये है बेसिकली आपका करंट डेंसिटी। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है करंट डेंसिटी, यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट कैसे निकलती है करंट डेंसिटी का, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई का क्या होता है, एम्पेयर, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, करंट डेंसिटी की यूनिट होता है आपका एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है आपके लिए। तो डिटरमाइन द करंट डेंसिटी व्हेन 40 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए बैटरी इन ए गिवन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है आपके पास एक 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है आपका, इसमें से आपका पास हो रहा है 40 एम्पेयर करंट। आपको जानना है यूनिट एरिया में से कितना पास हो रहा है। सो करंट डेंसिटी निकाल लो। करंट डेंसिटी ये क्या होता है आपका, आई अपॉन ए होता है, कितना करंट अपॉन एरिया। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, 40 एम्पेयर, एरिया कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितने करंट पास हो रहा होगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितने करंट पास हो रहा होगा इसका, इसका 1 मीटर एरिया में से छोटा सा जो करंट पास होगा दैट इज़ 4 एम्पेयर। ये बातें क्लियर, डन। तो यही होता है बेसिकली आपका करंट डेंसिटी, और इम्पॉर्टेंट बात, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके यूनिट है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।